अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। माय यूट्यूब ऑडियंस, कैसे आप सब? यू आर कीप वॉचिंग बिस्मा किचन ऑफिशियल चैनल, इजी पीजी रेसिपीज। अल्हम्दुलिल्लाह, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, आई वांट योर सपोर्ट गाइज, प्लीज़। ओके, चलो आज के साथ वीडियो। सबसे पहले आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ लिए हैं 4 बॉयल्ड मीडियम पोटैटोज। ठीक है, बॉयल कर लिया था, मैंने ज़्यादा नहीं पकाया था, हलवा नहीं कर देना, हम भुजिया नहीं बना रहे हैं हमने बनाने कटलेट्स, ओके, रशियन कटलेट्स। ओके, तो फिर मैंने इसको फॉर किया, हमने ब्लर्ज दिया था, हमें बेसिल लीव्स हैं, हरी मिर्च है, शिमला मिर्च और चिकन स्प्रेड है। ठीक है, तो सबके घरों में होती है कि सबके घरों में बच्चे होते हैं, तो उसके बाद यहाँ देखिए, हम लोग मेरी चिकन, मैंने हड्डी वाली चिकन ली थी, बोनलेस नहीं ली थी। ओके, वो मैं बॉयल कर रही थी, देन मैंने यहाँ पर लिया है बटर एंड घी दोनों हाफ ऑफ टी स्पून। उसमें मैंने डाली अपनी शिमला मिर्च और हरी मिर्चें, ताकि उसमें इस मक्खन में जो उसको एक अरोमा सा पैदा हो, जो बहुत अच्छा टेस्ट देता है वो। उसके बाद उसको हल्के हल्के हाथों से आपने सॉटे करना है, सॉटे इस तरीके से करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और जो मैंने अपनी चिकन निकाली थी, उसको मैंने स्टॉक जो है फेंका नहीं, उसमें मैंने डाल दी अपनी फाइन चॉप कैरेट। ठीक है, आपने उसका जो स्टॉक है वो फेंकना नहीं है। उसके बाद जो हमने अपना घी और अपना बटर जो डाला, उसमें डाला 1 टेबल स्पून मैदा, और उसको हमने अच्छे तरीके से सॉटे करना है, ताकि हमारा घी मैदा जो जले ना। उसके बाद जो मेरा चिकन स्टॉक था 1 कप, वो मैंने ऐड किया। दूध नहीं डालना है इसके अंदर, हम व्हाइट सॉस नहीं बना रहे हैं, हम मियो सॉस बनाएंगे। ठीक है, प्रिपेयर करके उसके हमने अच्छे अच्छे हाथों से हल्के हल्के लाइट हैंड से हमने उसको सॉटे करना है, अपने मैदे को अच्छी तरीके से मक्खन और घी में पका लेना है। देन उसके हमारे पास बॉयल्ड चिकन थोड़ी सी मैंने रखनी है, थोड़ी मैंने इसमें डाली है। उसके बाद हमने डाला है बेसिल लीव्स, ओरिगैनो भी डाल सकते हैं, डिपेंड अपॉन टू यू, टोटली अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। देन ब्लैक पेपर और चाइनीज सॉल्ट जाएगा इसके अंदर, और आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अच्छे अच्छे लाइट हैंड से चाइनीज सॉल्ट हमने डाल दिया इसके अंदर, और उसको आप हल्के अच्छे हाथों से मिक्स कर लें, देख लें। अगर आप लोगों को थोड़ी और नीड है, और बटर आप लोग ऐड कर सकते हैं, बट मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। एंड ये देखिए, थिक सी ग्रेवी सी बन चुकी है। देन मेरी जो कैरेट है बॉयल हो चुके थे स्टॉक के अंदर, मैंने वो भी ऐड कर दी है। मुझे थोड़ा ब्लैक पेपर कम लग रहा था, तो मैं इसको सर्व करने के बाद मैंने इसमें ब्लैक पेपर और मेयोनीज डाली। लेकिन आपको उसको पहले बिल्कुल कूल कर लेना, ठंडा कर लेना, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद मेयोनीज में चिकन स्प्रेड यूज़ कर दिया, मेयोनीज भी यूज़ कर सकते हैं, चीज़ क्रीम भी यूज़ सकते हैं, पग वालों की यूज़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और बस ये डन हो चुका था, वो हमको साइड पे कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके, इसमें कैरेट हर चीज़ परमानेंट है, कुछ भी चीज़ स्किप नहीं कीजिएगा। देन हमने लिए अपनी चिकन, हरा धनिया, हरी मिर्चें, शिमला मिर्च अगर आपको डालनी तो इसमें डाल सकते हैं, बट मैंने अपनी सॉस में डाल दी। देन ब्लैक पेपर, सम सॉल्ट, और बस आप इसको अच्छी तरीके से मैश कर लें लाइट हैंड के साथ। और ये चाइनीज सॉल्ट थोड़ा सा मैंने वो भी इसमें पुट कर दिया, और सॉल्ट आप देख लीजिएगा अकॉर्डिंग योर टेस्ट, तेज़ ना हो, क्योंकि हम इसमें चाइनीज सॉल्ट भी ऐड कर रहे हैं। देन चिली फ्लेक्स, सब कुछ परमानेंट है, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा अच्छे टेस्ट के लिए। बस आप इसको अच्छी तरीके से गूँलें, और उसके बाद अभी देखिए मेरे पास यहाँ पर सवैयाँ, ये ब्राउन वाली लेनी है, कलरफुल नहीं ले लीजिएगा। हम इसको करेंगे ग्राइंड अच्छे तरीके से, ये रशियन कटलेट्स की केक है। ठीक है, बस मैंने इसको फाइन चॉप कर लिया, सॉरी ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड किए हैं, और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। बहुत अच्छे क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ज़्यादा यम्मी, बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है, एंड प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंड प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और आपने बनानी है कटोरी की तरह आलू की पेटी बनानी थी, उसके अंदर आपने रखनी है मी फिलिंग, देन आपने इसको अच्छी तरीके से फोल्ड करना है। आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ, बिल्कुल लाइट हैंड के साथ। पहले आपने हैंड जो है ग्रीस कर लीजिएगा ऑयल के साथ, उसके बाद देखिए कैसे अच्छी पीटी पैटी सी बन चुकी है। इसमें आप मैदे में ड्रिप करेंगे, स्लरी मैंने सिर्फ मैदा और नमक की बनाई है, बस जस्ट दैट इन वाटर। उसके बाद हम कोटिंग करेंगे अपनी सेवइयां और ब्रेड क्रम्स की, बस जस्ट डन। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे। और इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमान पढ़ के हमने अपने फैन पर इसको रखकर शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे इसको। और आप ये देखिए इसका माशाल्लाह माशाल्लाह इसका लुक बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा यम्मी, ईजी रेसिपी। आप लोग को पता मैं हमेशा आप लोग के लिए ईजी रेसिपीज लगती है कि आप लोग ट्राई करें, और हमेशा मुझे दुआ में याद रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस ये डन थे, हमने बहुत अच्छा इसको एंजॉय किया, और इंशाल्लाह हम इसकी एक सॉस बनाना भी सिखाऊंगी। बट अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ। डू सब्सक्राइब माय चैनल, अल्लाह हाफिज़।